होता है जिसे अर्के गुलाब कहते हैं। रात के अंधेरे में मेरी चमक कीमती मोतियों की तरह होती है। ये कौन सा फूल है? मोतिया का। मेरा रंग अमन और सलामती की इलामत है। आप सब फूल बाग की रौनक में इजाफा करते हो। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने करना है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फूलों का बादशाह कौन है? आप सब जानते हैं गुलाब है, और फलों का बादशाह है आम। किस फूल की खुशबू रात में दूर दूर तक फैल जाती है? तो वो है रात की रानी। सवाल इसका थर्ड है, किस फूल के बीज से खाने पकाने का तेल बनता है? तो वो है सूरज मक्खी। ये करने के बाद आपके नेक्स्ट है हरूफ में लाके अल्फाज बनाए, आपको तोड़ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आपने उसके जोड़ राइट करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क में है। सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें, आपको जोड़ दिए गए हैं, आपने इसके तोड़ राइट करने हैं। ये करने के बाद आपके नेक्स्ट जुमले हैं, आपको 4 दिए गए हैं जुमले, जिसको आपने बहुत ही ईजी सी वर्डिंग में राइट करना है। रंगा रंग, भीनी भीनी, चमक और सफ़ेद, ये हमारे 4 वर्ड्स हैं। भीनी भीनी कहते हैं हल्की हल्की सी, मध्यम सी। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन आप क्रॉस हैं वो आपने नहीं करने। लास्ट पे कुछ सवाल है, तस्वीर में मौजूद फूलों के नाम लिखें। ये पिक्चर्स बनी हुई कुछ फ्लावर्स की, आपने इनके नाम लिखने हैं। पहला है सूरजमुखी, दूसरी हमारी तस्वीर है गुलाब की, तीसरी है चंबेली और चौथी है मोतिया। ये हमारा बुक वर्क था स्टूडेंट्स, आपने बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको राइट करना है और बाद में इसको आपने लर्न भी करना है। स्टे ब्लेस, थैंक यू।